नमस्कार, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की रेसिपी है बहुत धमाकेदार होने वाली है। जो लोग हमारे पेज पे नए, हमारे वीडियो पे नए है, वो कृपया हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। आपको इसमें सारी जो रेस्टोरेंट में रेसिपीज होती है वो घर पे कैसे बनाए उसके वीडियो देखने को मिलेंगे। फटाफट हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको रेसिपियाँ बहुत ही धमाकेदार मिलने वाली है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, आज आपको पिज्जा सैंडविच रेस्टोरेंट में कैसे बनती है, काफे में कैसे बनती है, वो रेसिपी हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है, बाउल में हमने कैप्सिकम कैबेज को चॉप करके डाल दिया है। उसके बाद हमने एक ऑनियन लिया है छोटा सा, ऑनियन के हम बड़े बड़े टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। ऑनियन के आपको बड़े बड़े टुकड़े करने, एकदम बारीक चॉप आपको नहीं करना है। ऑनियन डालने के बाद हमने इसमें डाल दिया है ओरेगानो स्प्रिंकल, बहुत ही स्मेल के लिए ये स्टेप जरूरी है, तो ओरेगानो स्प्रिंकल हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्का सा चिली फ्लेक्स पाउडर। जी हाँ, चिली फ्लेक्स पाउडर हम बिल्कुल ही इसमें हल्का सा डालेंगे। चिली फ्लेक्स पाउडर हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सेजवान चटनी। सेजवान हम लोग चिंग्स की यूज कर रहे हैं, आपको अगले वीडियो में भी हमने बताया था, आप कोई भी कंपनी की यूज कर सकते हो। सेजवान की ये चटनी हमने इसमें थोड़ी सी डाल दी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हम ये पूरा पिज्जा सैंडविच बना रहे हैं, तो पिज्जा पास्ता सॉस तो इसमें हम मिस ही नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा हम इसमें फ्लेवर के लिए पिज्जा पास्ता सॉस डाल देंगे। थोड़ा सा एसेंस के लिए पिज्जा पास्ता इसमें सॉस हम डाल देंगे। उसके बाद हम ये तंदूरी फ्लेवर का बना रहे हैं, आप जो चाहे वो फ्लेवर का बना सकते हो। हम ये वीडियो में तंदूरी फ्लेवर कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा स्मोकी इसमें रहेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसमें विबा का तंदूरी मायो डालेंगे, और फिर ये सैंडविच है इसके लिए जो ग्रीन चटनी हम घर पे बनाते हैं वो हमने डाल दी है, और ये पहले मिक्सचर को हमने पूरा मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने दो ब्रेड की स्लाइस ले ली है, ठीक है, और उसमें सिंगल स्लाइस पे हम वापिस से सारे सॉस अप्लाई करेंगे, जो सारे सॉस हमने वो ग्रेवी में डालने थे। सबसे पहले हमने इसमें पिज्जा पास्ता सॉस डाल दिया है, उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा चीज ब्लेंड सॉस भी डाल दिया है। उसके बाद वापिस थोड़ा सा सेजवान हम इसमें डालेंगे, और उसमें के बाद थोड़ा हम इसमें तंदूरी मायो एड कर लिया है, और ये सारे सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद पूरे ब्रेड पे हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए पूरा सॉस है इसमें स्प्रेड हो गया है। अब जो हमने ग्रेवी बाउल में तैयार की थी, पूरी जो ग्रेवी है इसको आपको थोड़ा लूज रखना है, वो ग्रेवी हमने इसमें अप्लाई कर दी है पूरे ब्रेड की स्लाइस पे, ठीक है। अच्छी तरीके से पूरी ब्रेड की स्लाइस में हमने ये ग्रेवी को स्प्रेड कर दिया। आपको ये स्प्रेड अच्छी तरीके से करना है ताकि हर एक बाइट में इसका फ्लेवर आए। उसके बाद हम ये सैंडविच ग्रिल करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा सैंडविच बिल्कुल ही अच्छी तरह से ग्रिल हो गया है, कितना अच्छा ये टेक्सचर आपको लग रहा है। अभी इसमें हम थोड़ी प्रोसेस करेंगे। ग्रिल होने के बाद इसमें हम वापिस से पिज्जा पास्ता सॉस जो ऊपर का लेयर है उसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज ब्लेंड सॉस, ठीक है। चीज ब्लेंड सॉस जो हमने ग्रेवी में डाला था, वापिस से इसमें हम चीज ब्लेंड सॉस डालेंगे, और अच्छी तरीके से इसको मिला के पूरा जो स्लाइस है उसमें हम लोग स्प्रेड कर देंगे। देखिए अच्छी तरीके से स्प्रेड हो गया है। अभी इसमें डालेंगे हम डाइस चीज जो रहता है, मोजरेला चीज, हम अमूल का यूज कर रहे हैं, आप कोई भी कंपनी का डाल सकते हो। ऊपर के लेयर में हमको पूरी तरीके से इसको स्प्रिंकल कर देना। देखिए ये पूरा हमने इसको स्प्रिंकल कर दिया है। अभी इसको हम बेक करने के लिए छोड़ देते हैं, और ये बेक करके हमारी पूरी सैंडविच है वो रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर इसमें आपको दिख रहा है। अब इसको हम कट करते हैं, ये देखिए आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, कितना ये आपको टेस्टी और यमी लग रहा है, और ये टेस्ट भी इतना इसका स्मोकी रहेगा, ठीक है। देखिए अभी हम आपको इसको पीस करके दिखाएंगे, ये कैसे आप देख सकते हो कि जो मोजरेला चीज का जो पूरा इफेक्ट रहता है, ये देखिए आप। अरे भाई साहब, तो कैसी लगी आपको हमारी सैंडविच, कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। थैंक्स, जय हिंद।